दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में जो मैंने फ्रेजल वर्ब की सीरीज स्टार्ट की थी उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और देखिए, आज जो फ्रेजल वर्ब हम डिस्कस करेंगे वो किससे स्टार्ट होंगे? पास्ट से। यानी पास्ट के ऊपर आने वाले सभी फ्रेजल वर्ब्स को मैं डिस्कस करूंगा, उसकी मीनिंग को भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी कंसिडर करके देखेंगे, जिससे उसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या गिवन है? पास अलोंग। पास अलोंग का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। टू गिव या फिर पास समथिंग टू समवन। समथिंग जनरली नॉन लिविंग थिंग्स होती है और समवन कोई पर्सन हो गया। यानी जब हम किसी पर्सन को कोई नॉन लिविंग थिंग पास करते हैं या देते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पास अलोंग को। मैं एक कंडीशन यहां पर हम मान के चलते हैं। कैसे? मान लो मुझे कोई बुक पास करनी है, किसी को देनी है, ठीक है, और मुझे वो देनी है किसको? विक्की को। और बीच में राम है, विक्की के और मेरे बीच में कौन है? राम। तो मैं राम को जब वो बुक दूंगा विक्की को देने के लिए तो मैं क्या बोलूंगा पता है? वुड यू पास दिस बुक अलोंग टू विक्की। आपको समझ आया इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। यहां पे समथिंग बुक हो गया, समवन हो गया विक्की। नेक्स्ट देखिए, पास अवे। पास अवे बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है और इसका इस्तेमाल हम सभी को पता है किस लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या बताता है ये? जाए, यानी कोई किसी के मर जाने को ये इंडिकेट करता है, बताता है। एग्जाम्पल देखिए, सी इज सैड बिकॉज हर फादर पास्ड अवे। तो सी सैड क्यों है? क्योंकि उसके फादर पास्ड अवे हो गए। पास्ड अवे का मतलब क्या हो गया? जाइड। अब वो पास्ट है तो इसको भी पास्ट कर देंगे, जाइड। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, पास बैक। पास बैक का मतलब होता है गिव बैक या फिर रिटर्न करना किसी चीज को। देख लेते हैं कैसे। अभी हमने ये बुक विक्की को दी थी ना, पास अलोंग करके दी थी। अब ये बुक अगर वो वापस दे रहा है तो देखो कैसे होगा। विक्की पास द बुक बैक टू सोना। तो ऐसे क्या हो गया, ये पास्ड बैक का मतलब क्या हो गया? रिटर्न हो गया। ठीक है। पास बाय। पास बाय का मतलब दो मीनिंग निकल सकते हैं, टू मिस समवन और समथिंग, या फिर टू मूव पास्ट समवन या समथिंग। इन दोनों को एक ही तरीके से भी समझा जा सकता है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है और यहां से बस चली गई, तो बस पता है क्या है? मूव पास्ट कर गई, यानी उसके पास आई और उसके पास से निकल गई। उससे उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, बस वहां आई और उसके आगे निकल गई तो पास्ट हो गया। अगर ये घर है और ये बस आई और आगे निकल गई तो द बस पास्ट द हाउस। पास्ट द हाउस, पी ए एस टी। अब देखिए एग्जाम्पल, द स्टोर्म पास्ड बाय द टाउन लीविंग इट अनहार्म्ड। तो पास्ड बाय का मतलब क्या, ये क्या सोचता है? ये अगर टाउन मान ले हम और ये स्टोर्म आया और यहां से ऐसे चला गया तो पास्ड बाय हुआ ना, ठीक है। इसके साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, बस यहां से आया और इसको आगे निकल गया, ठीक है। अच्छा, सी पास्ड बाय मी व्हाइल रनिंग इन द पार्क। तो ये कोई लड़की है, मान लो यहां से पार्क में रन कर रही है, यहां पर कोई पर्सन और उसको क्या कर गई, वो आगे क्रॉस कर गई। तो ये भी तो पास्ट का सीन बना कि नहीं बना, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं जिनका लेना देना पास्ट से होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास क्या है? पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है हैपन या फिर ओकर। देखिए इसका एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा हमें। द वीकेंड पास्ड ऑफ विदाउट एनी इंसिडेंट। यानी मान लो सिचुएशन ऐसी है, किसी पर्सन के साथ कुछ ना कुछ घटित ही होता जा रहा है और अब ऐसा हुआ कि इस वीक कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो उसको सरप्राइज कर सके। यानी पिछले कई वीक से उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हो रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे बड़े इंसिडेंट्स हो रहे थे लाइफ में, लेकिन इस वीक क्या हुआ? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो क्या बोल सकता है? द वीकेंड पास्ड ऑफ विदाउट एनी इंसिडेंट। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए पास आउट। पास आउट का मतलब होता है फेंट लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस। यानी जब आदमी बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, होश में ना रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, मैनी पीपल पास्ड आउट फ्रॉम द हीट। अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि मान लो कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी से, पानी नहीं मिल पाता या ज्यादा वर्क हार्ड वर्क कर लेते हैं इतनी गर्मी में,
तो अगर कोई इस तरीके से बेहोश हो जाते हैं कुछ लोग, तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, मैनी पीपल पास्ड आउट फ्रॉम द हीट। फिर देखिए पास अप, लेट और मिस एन अपॉर्चुनिटी, लेट और मिस यानी किसी अपॉर्चुनिटी कुछ आई हमारे पास और उसने हमें उसको हमने ठुकरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया उसको, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, ही पास्ड अप द ऑफर टू बी चेयरमैन ऑफ दिस इवेंट। मान लो कोई इवेंट था, वहां पर ही को ये ऑफर किया गया कि आप यहां पे चेयरमैन बनकर आइए, ठीक है, ऐसे चेयरमैन आइए, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको पास्ड अप कर दिया। पास्ड अप कर दिया इसका मतलब उसने उसको उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया या उसे जाने दिया, उसको नहीं लिया, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया दोस्तों।